Hello, my lovely people. This is Bikshan, and you're watching Xeno Rider Bix. गाइज आई रियली होप कि यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली वेल। इधर उधर की बातें किए बिना मुद्दे पे आता हूँ डायरेक्टली। आपको थंबनेल देख ले तो पता ही लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने रिसेंटली एक पेयर ऑफ ग्लव्स ली है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज फ्रॉम BBG। और ये बेसिकली फुल गाउनलेट वाला ग्लव्स है। इसका मैंने अभी तक ना यूज भी नहीं किया, जस्ट हाथों में पहन के मैंने स्टोर से लेके आ गया था मैं, उसके बाद मैंने पहन के देखा भी नहीं है, राइड भी नहीं किया। तो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस ग्लव्स, और साथ साथ हम बाहर जा कर के, हाँ, राइड पे जा कर के इस ग्लव्स के रिव्यू करेंगे। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक श्योर कि आजकल ना मार्केट में बहुत, मतलब जैसे मैंने ग्लव्स लेने से पहले रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सा ग्लव्स लेना सही होगा। आपको पता ही होगा कि मैंने पहले कौन सा ग्लव्स यूज़ करता था, राइनोक्स का कुछ सब ब्रांड आता था, उसका ही मैंने ग्लव्स यूज़ करता था। उससे पहले मैं BBG का ग्लव्स यूज़ करता था, और ये तीसरा वाला मेरा ग्लव्स है, जो कि ये भी है कि फुल गाउनलेट ग्लव्स, आप देख सकते हो। तो बेसिकली फुल गाउनलेट ग्लव्स क्यों होता है, क्या होता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, एंड हाउ टू पिक आप परफेक्ट ग्लव्स फॉर योर राइड्स, क्या क्या ग्लव्स अवेलेबल है मार्केट में, इसके बारे में वगैरह वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइज चलो इसको फटाफट खोलते हैं, और सुबह के टाइम हो रहा है, संडे का दिन है आज, तो फ्रेश राइड करने का बहुत मन था, एंड राइड क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, देर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड द राइड। सो लेट्स नॉट टॉक टू मच एंड गो आउट फॉर द राइड। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि आज राइड के पीछे एक रीज़न है, एक पर्पस है। सो दिस इज़ दी बेसिक पर्पस। आप देख सकते हो कि मेरा मीटर जो ख़राब होके पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, वो अभी ठीक हो चुका है, मैंने ठीक करवाया हाल ही में। सो द मीटर इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन, जस्ट एज अ न्यू वन। दरअसल मीटर के बिना ना मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि जो इश्यूज मैंने फेस किया ना इस मीटर को लेकर के आज तक, सिंस द टाइम आई बॉट माय बाइक फ्रॉम द शोरूम, क्या ही मैं बोलूं। और मैंने बहुत बहुत कोशिश करी कि मैं इस बाइक पे भी जो नया वाला जो डिजिटल मीटर आता है उसे मैं फिट कर लूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रिप मीटर या ओडोमीटर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जो स्पीडोमीटर है ये काम नहीं कर रहा था। हुआ यूँ था कि जब हम स्पीति से लौट रहे थे, तब आगरा क्रॉस करने के बाद ये जो कांटा आप देख रहे हो, ये कांटा इस तरह से घूम गया, मतलब 100 के स्पीड में था आसपास। और इस मीटर में ना एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बहुत दिन तक आप राइड करते हो, मान लो कि 12-15 दिन का राइड है, तो जब लौटते हैं हम 4-5 हज़ार किलोमीटर कवर हो जाता है, उसके बाद ना क्या होता है ये हिलने लगता है स्पीड पे। तो जैसे कि मैंने 100 की स्पीड में था और ये हिल रहा था, तो हिलते हिलते ऐसा हिला कि पूरा मुझे हिला दिया, ठीक है। पूरा ये कांटा जो है पूरा घूम के इस तरह आके ये यहाँ पे आकर रुक गया था। और मैं बहुत कोशिश करी थी कि मैं वापस ले लूँ, एक नया मीटर ले लूँ, लेकिन नया मीटर मार्केट में अभी स्टॉक नहीं है कहीं पर भी, मतलब कहाँ कहाँ मैंने पूछ लिया। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो आज बेसिकली बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, मैं शायद ही मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इट्स रियली अ ग्रेट डे फॉर मी। बहुत दिनों बाद मेरा स्पीडोमीटर मुझे वापस मिल गया, सो बेसिकली आई कैन वॉच माई स्पीड, मैं अपना स्पीड देख सकता हूँ, सो दैट्स अ गुड पार्ट। तो एनीवेज कैसे कैसे आते हैं देख रहे हो, मतलब उतनी जगह है उस तरफ, लेकिन इनको यहीं पर आना है। गाइस तो थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में भी कर ले, जिसके बारे में बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा था। यहाँ पे एक हार्ड फाइबर टाइप का कुछ मटेरियल होगा, ये जो प्लास्टिक है ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, और इसकी जो क्वालिटी है मुझे बहुत ही घटिया लग रहा है, क्योंकि ये अभी नया है तो फ़िलहाल चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब धूप में हम बहुत दिन तक चलाएँगे और धूप पड़ेगी, फिर बारिश पानी जो भी है, थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी है मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं ये कितने दिन तक चलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो
ये यहाँ पे जो फिनिशिंग है इट्स नॉट दैट गुड, और यहाँ पे मतलब क्वालिटी वाली फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो प्रोटेक्टर्स आप देख रहे हो ऑन दी फिंगर साइड, तो ये तो ठीक ठाक है, देर इज़ नो सच वेंटिलेशन ऑन दिस थिंग। और यहाँ पे भी फिर से वही मटेरियल जो ये यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है यही मटेरियल यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। बाकी इस तरफ ये भी थोड़ा सा पफ्ड कुछ मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, बाकी अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। वे पम्प प्रोटेक्शन की बात करूँ मैं, अगर कोई टूरिंग ग्लव्स हो तो इसमें पम्प प्रोटेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जहाँ पे मैंने देखा था आफ्टर द एक्सीडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, हालांकि मेरे पम्प पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज आई वॉज वेयरिंग दी ग्लव्स। और पम्प पे बहुत सारा मतलब इस एरिया पे बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ था, पहले जो बीवीजी का ग्लव्स आया हुआ था उसमें भी प्रोटेक्शन था, और लास्ट टाइम जो मैंने लिया हुआ था राइनॉक्स का जो सब ब्रांड है जिसे पहन के मैंने गंगोत्री और यमुनोत्री का राइड किया हुआ था, वो आप देख सकते हो, उस ग्लव्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस एरिया का एक प्रोटेक्शन होता है जो कि इस ग्लव्स में मिसिंग है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेसिकली जो रिस्ट का जो गार्ड होता है फुल गाउनलेट ग्लव्स का, यही होता है कि यहाँ पे एक रिस्ट का प्रोटेक्शन रहता है एंड दिस इज़ द पार्ट। तो ये पार्ट जो है ये भी कोई हार्ड फाइबर से बना हुआ लग रहा है मेरे को। यहाँ पे वेंटिलेशन है, हालांकि ये वेंटिलेशन कितनी दूर तक काम करता है मुझे पता नहीं है, बट वेंटिलेशन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, कीचेन वगैरह हैंग करने के लिए कुछ दिया होगा शायद, और यहाँ पे एक वेलक्रो स्ट्रैप दिया हुआ है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैं यही कहूँगा, और इसकी जो स्टिचिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड जो ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, ये वाला हिस्सा पता नहीं ये बहुत ही हार्ड मटेरियल का है, ये ना मतलब थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का है, मतलब पहनते समय ना आप जैसे पहनोगे ना ये, तो यहाँ पे तो आपको खोल के फिर पहनना पड़ेगा ताकि इसकी जो ओपनिंग है थोड़ी सी बड़ी हो जाए और आपको पहनने में मतलब सुविधा हो, लेकिन जैसे ही आप इसको खोलोगे ना वापस से ये चिपक जाता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ इलास्टिक, और मतलब हार्ड प्लास्टिक होने की वजह से आप इसको सीधा भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा सीधा करने जाओगे तो ये टूट भी सकता है, पता नहीं। मैं आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ट्राइंग दिस बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू, तो भाई मुझे कोई शौक नहीं है इसको तोड़ने का। खैर हम इस ग्लव्स को पहनते हैं एंड उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहनने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो मतलब साइज़ पे डिपेंड करता है आप कौन सा साइज़ ले रहे हो ग्लव्स के, एंड दैट इज़ क्वाइट अ सब्जेक्टिव मैटर। अलग अलग हाथों का अलग अलग साइज़ होता है, जैसे कि ये मैंने इसको लगाने की चिपकाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे ही चिपक गया। देखो मतलब अभी तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट व्हेन आई एम गोइंग टू वेयर अ जैकेट, राइडिंग जैकेट, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे वेलक्रो होता है, राइडिंग जैकेट भी यहाँ पे वेलक्रो होता है, तो वेलक्रो लगाने के बाद थोड़ा सा ना रिस्ट एरिया पे थोड़ा सा फूल जाता है, तो आफ्टर वेयरिंग अ जैकेट जब मैं इस ग्लव्स को पहनूंगा तब जा कर के मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसकी जो गैपिंग है वो सही हो जाएगी। बाकी पहनने में और राइड करने में मैंने सुबह से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास मैंने इस ग्लव्स पहन के मैंने राइड कर ली है, तो मुझे एज सच कोई कंफर्ट में कोई एज सच कोई दिक्कत नहीं आई, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। बाकी चलो राइड करते हुए हम बताते हैं। सो बेसिकली मैं जो बता रहा था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लव्स अवेलेबल इन द मार्केट, और अभी के फ़िलहाल मतलब अभी के मार्केट में ना बहुत सारे वैराइटीज़ अवेलेबल है ग्लव्स के। सो इफ़ यू आर गोइंग टू पिक अप अ पर्टिकुलर ग्लव्स, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि मतलब कौन सा क्या है नहीं है। सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टूरिंग ग्लव्स, ये जो ग्लव्स है बेसिकली टूरिंग ग्लव्स, तो आप पूछोगे कि टूरिंग ग्लव्स में और रेसिंग बाइक ग्लव्स में क्या फ़र्क होता है, दोनों ही होते हैं फुल गाउनलेट्स, रेसिंग बाइक्स आर ऑल्सो फुल गाउनलेट, टूरिंग ग्लव्स जो होते हैं वो भी फुल गाउनलेट्स होते हैं, फुल गाउनलेट्स यानी कि रिस्ट तक ये एक्सटेंडेड होता है इसका, और जो नॉर्मल ग्लव्स रेगुलर साइज होते हैं वो रिस्ट तक ही ख़त्म हो जाते हैं, आपने देखा होगा, एंड दैट इज़ दी मोस्ट कॉमनली यूज बाई ऑल दी बाइकर्स। और एक टाइप होता है कि जो कि यू नो फिंगर कट वाला होता है, यहाँ तक होता है इसका, इसके बाद ये उंगलियाँ खुली रह जाती है, तो मैं कभी भी उस तरीके का ग्लव्स प्रेफर नहीं करूँगा और किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। वो साइकिलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो खुली हुई ग्लव्स कभी भी नहीं ले, हालांकि वो मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छा होता है, बाकी कोई सुविधा नहीं है उसमें। वैसे रेगुलर ग्लव्स में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो तो 5,000-6,000, 7,000-8,000, 10,000 तक भी चला जाता है कभी कभी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी।
खैर अगर आप टूरिंग करते हो, ग्लव्स के अंदर अंदर कुछ फीचर्स आपको डेफिनेटली होने ही है, जैसे कि वेंटिलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेंटिलेशन आपको होना ही है। फिर यहाँ पे पंप प्रोटेक्टर जो होता है ना, पंप प्रोटेक्टर डेफिनेटली होना है। आप पूछो कि अगर ये सब पता ही हो तो स्टोर पे जाके ये ग्लव्स मैंने क्यों पिक किया, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने जहाँ तक मैंने रिसर्च किया हुआ था, दो तीन ग्लव्स मुझे बहुत पसंद थे। एक DSG का ग्लव्स मुझे एक बहुत पसंद था, राइनॉक्स का एक वो है, उसका ब्रांड का नाम मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, वो था नहीं, DSG का भी था नहीं, और सोलेस का एक ग्लव्स मुझे मिला था, मैं लेना चाहता था लेकिन उसमें ना वेंटिलेशन वगैरह नहीं आ रहा था। वेंटिलेशन से क्या काम होता है, वेंटिलेशन इज़ बेसिकली फॉर योर एयर फ्लो। जब आप दूर दूर तक मतलब दिन भर राइड करते हो ना, हाईवे पे चलाते हो, लॉन्ग राइड पे जाते हो, दिन भर आप हाईवेज पे रहते हो, लॉन्ग राइड करते हो, धूप में रहते हो, तब क्या होता है कि अंदर ही अंदर ना पम बोलो या हाथों के अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग की वजह से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अननोन इरिटेशन पैदा हो जाता है, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। इरिटेशन होने लगेगा अंदर ही अंदर, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि भाई इरिटेशन हो रहा है अंदर अंदर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर वेंटिलेशन का और एक डिसएडवांटेज भी है, अब जब माउंटेन पे जाओगे, हाई पासेस माउंटेन पे जाओगे, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे होता है, टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा लो होता है, जाने के बाद आपको महसूस होगा कि ना ठंडी हवा इस तरह से घुसने लगती है ना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, कि जो टिप्स होता है ना वो जम जाते हैं यार, मतलब बहुत बुरी तरह से जम जाते हैं, कि आप ना मतलब क्लच को ऐसे दबा नहीं पाओगे, इस तरह से दबा रहे हो ना वो दबा नहीं पाओगे, मतलब उतनी ताकत होती ही नहीं है उसमें, मतलब ठंड की वजह से इतनी बुरी तरह से वो जम जाती है ना उंगलियाँ, स्पेशली द टिप्स, मतलब आप दबा नहीं पाओगे, ब्रेक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप जो एक्सीलेटर है उसको ठीक से घुमा नहीं पाओगे, एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, वो इस तरह से फ्रोजन हो जाता है। आप ग्लव्स पहन तो लोगे, लेकिन उसके नीचे आपको एक और एक प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो सर्जिकल ग्लव्स हो, कोई रबर ग्लव्स हो, कुछ भी आपको पहनना पड़ेगा, ताकि और थोड़ा सा मतलब ठंड से थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले। सो यू नीड अ लेदर ग्लव्स टू सेव योर पम हैंड, वट एवर यू सेम, इन केस ऑफ अ क्रैश, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, भगवान ना करे ऐसा हो, बट सेफ्टी तो मान के ही चलना पड़ता है ना भाई। गाइस और एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए था, जो है मोबाइल ऑपरेटिंग करने की जो कैपेबिलिटी है इसमें, जो कि ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा आप देख रहे हो दोनों थंब पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये होता है बेसिकली वो हिस्से जिससे आप मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो मुझे बहुत खास लगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आसानी बहुत आसानी से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, 8 9 7 8 5 2 3 जो भी मैं दबाओ इट्स परफेक्टली वर्किंग, आई कैन ओपन माई कैमरा ऑन दी गो वेयरिंग दिस ग्लव्स। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा खास लगी, बेसिकली आई कैन इवन टॉक टू यू गाइज विद दिस, लाइक आई कैन स्टार्ट माई रिकॉर्डिंग वेल आई एम राइडिंग द बाइक ऑन द गो, एंड दैट इज़ द परफेक्ट थिंग आई फाउंड इन दिस ग्लव्स मैन। मतलब मोबाइल को ऑपरेट कब करना पड़ता है, जब आप लॉन्ग राइड पे हो, दिन भर आपने राइड किया हाईवे पे, कहीं अननोन सिटी पे ठहरने वाले हो, होटल आपको ढूंढना पड़ता है, मैप डालना पड़ता है, तब जाकर के महसूस होता है कि हाँ भाई अगर इससे मोबाइल अगर हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई कैन से, क्योंकि ऑन द गो आपको ग्लव्स निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्पेसिफिकली उसको निकालो वापस पहनो, इट्स अ वेरी वेरी हेडटेक जॉब। और मैं सुबह से मैंने कई बार मोबाइल फ़ोन यूज़ कर चुका, मैंने तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखा नहीं है अभी तक। सो एज अ कंक्लूजन, इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट आर द थिंग्स आई लाइक एंड व्हाट आर द थिंग्स आई डोंट लाइक, सो इफ़ आई फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स आई लाइक, द वेंटिलेशन सिस्टम, जो यहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, और लेदर क्वालिटी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन इन केस ऑफ एनी क्रैश और एक्सीडेंट मुझे पता नहीं कि हाउ फार इट इज़ गोइंग टू सेव माई पाम और हैंड। गोट की जो लेदर है ना उससे बना हुआ है ये ग्लव्स, तो गोट लेदर इज़ लिटरली थोड़ा सा थिन होता है, जिसकी वजह से क्रैश में कितना सेव करेगा नहीं करेगा उतना मुझे आइडिया नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लाइक्ड इन दिस ग्लव्स इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सेल फोन ऑन द गो,
ऐसा कंक्लूशन वही है फिर, मतलब ये तीन चार चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मुझे ख़राब लगा कि इसकी जो क्वालिटी है, ये वाली जो क्वालिटी है ना प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक वाली जो क्वालिटी है, ये कुछ खास नहीं लगा मेरे को। फिर इसके जो फिनिशिंग है ना, यहाँ पे जो फिनिशिंग है वो कुछ खास नहीं लगा। हालांकि इसका जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टिचिंग दे रखी है इन्होंने, मतलब पूरे ग्लव्स पे, थ्रू आउट दी ग्लव्स इसने जो उसकी स्टिचिंग की है ना भाई साहब, ए क्लास है, ए क्लास। ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, तो इन केस ऑफ एनी क्रैश आपका जो रिस्ट, ये वाला जो हिस्सा ना, ये बच जाएगा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो सब सही है। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई, यू कैन बाई दिस, यू कैन गो एंड बाई दी प्रोडक्ट फ्रॉम BBG वेबसाइट, और आसपास कोई अगर स्टोर वगैरह हो जो कि ये ग्लव्स बेचता हो उसके पास भी आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दी रिव्यू ऑफ दिस ग्लव्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, और ऊपर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शायद अगले महीने तक एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आई कीप यू पोस्टेड, आई कीप यू अपडेटेड, सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। फ्री है भाई, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं कटेगा। वैसे भी आजकल बिना पैसे के क्या ही मिलता है भाई। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं करते हो, वहाँ इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं पॉसिबली वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड द ID इज senorider.bigs। फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। Woo!